बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान असानी ने जो रौद्र रूप धारण किया था, अब वो हल्का पड़ता जा रहा है। जी हाँ, असानी अब ओडिशा और आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार कमजोर पड़ गई है। इस पर मौसम विभाग का कहना है कि तूफान आंध्र प्रदेश के पास पहुंचकर अपना रास्ता बदल लेगा और बंगाल की खाड़ी के किनारे किनारे होते हुए ये ओडिशा की तरफ बढ़ेगा। हालांकि अभी तक असानी आंध्र और ओडिशा नहीं पहुंचा है, लेकिन इसकी आहट तटीय इलाकों में अभी से दिखने लगी है। असानी के आने से पहले ही तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवाती तूफान असानी बंगाल की खाड़ी के मध्य पश्चिमी और उससे सटे दक्षिण पश्चिमी में बना हुआ है। ये लगातार पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ रहा है। असानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका प्रचंड रूप हल्का पड़ रहा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पहले इसकी रफ्तार 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे थी, जो अब घटकर 80 से 90 किलोमीटर रह गई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले वक्त में इसकी रफ्तार और कम होगी और फिलहाल ये काकीनाड़ा से 350 किलोमीटर, विशाखापट्टनम से 350 किलोमीटर, गोपालपुर से 510 किलोमीटर और पुरी से 590 किलोमीटर की दूरी पर है। संभावना है कि ये आधी रात के करीब बंगाल की खाड़ी में आंध्र और ओडिशा के नज़दीक पहुंच जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में असानी चक्रवात लगातार कमजोर होकर भीषण चक्रवात सिर्फ चक्रवात की श्रेणी में आ जाएगा। इस दौरान इसकी भीषणता और रफ्तार लगातार धीमी होती जाएगी। असानी भले ही भारत के कई इलाकों से अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, लेकिन इसकी आहट महसूस होने लगी है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि 10 से 11 मई को आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। बंगाल में भी तूफानी बारिश की संभावना है। बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में 90 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। आईएमडी कोलकाता ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा, कोलकाता, हुगली और पश्चिमी मिदनापुर जिलों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की आशंका जताई है। वहीं अगर ओडिशा की बात की जाए तो यहां के भद्रक जिले में पहले से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इसकी वजह से आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ये तो रही बात बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की। अब बात आती है अन्य राज्यों में, तो सवाल उठता है कि असानी तूफान अन्य राज्यों में कितना असर डालेगा। आपको बता दें कि अगले 3 दिनों में बिहार, तमिलनाडु, केरल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल और मेघालय में बारिश हो सकती है। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है।